बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे चक्रधरपुर अनुमंडल के सोनवा प्रखंड की कई सड़कों की जर्जर हालत से ग्रामीण त्रस्त है। लंबे समय से इन सड़कों का निर्माण या मरम्मति नहीं हुआ है। आक्रोशित ग्रामीणों का आक्रोश अब आंदोलन का रूप लेता जा रहा है। एक रिपोर्ट को दिखाते हैं। सोनवा से कूड़ा जाने वाली सड़क समेत कई सड़कें पिछले कई वर्षों से काफी जर्जर हालत में है। विगत एक दशक से भी अधिक समय से इन सड़कों की मरम्मति नहीं हुई है। दर्जन गांव के ग्रामीणों में इस कारण आक्रोश देखा जा रहा है। प्रखंड को जोड़ने के लिए, प्रखंड मुख्यालय को जोड़ने के लिए भालरुंगी पंचायत से जो मुख्य सड़क गुजरती है, जो 15 साल पहले प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत बनाया गया था, उसके पश्चात कभी भी इस पर सरकार की सुध नहीं हुई और सरकार ने कभी ध्यान नहीं दिया, न मरम्मति हुआ, न इसको पक्कीकरण करने के लिए और दूसरा ये किया। आंदोलन के तहत ग्रामीण प्रखंड मुख्यालय से लेकर मुख्यमंत्री तक एक मांग को लेकर 15 दिनों के अल्टीमेटम के साथ मांग पत्र सौंपेंगे। 15 दिनों में सड़क निर्माण का काम शुरू नहीं हुआ तो ग्रामीण उग्र आंदोलन करेंगे। रिक्वेस्ट लेटर हम देंगे और उस रिक्वेस्ट लेटर में साफ साफ इसमें मेंशन है 15 दिन का अल्टीमेटम। अगर 15 डेज में गवर्नमेंट कुछ नहीं करती है तो फिर 15 दिन के बाद हम लोग ये गोलकरा का जो रोड है, जो पीच रोड है, जो अच्छा रोड है सोनवा से गोलकरा जाने का, उसमें सारे प्रशासनिक वाहन जाते हैं, उस रोड को गायता से खोद देंगे और उसको ब्लॉक कर देंगे। लोगों का अब ये आक्रोश आंदोलन में बदलने जा रहा है। क्षेत्र के लोग यहाँ, जैसे आज बिनका में बैठक हो रही है और आगे की रणनीति बना रहे हैं। 15 दिनों का अल्टीमेटम लोगों द्वारा दिया जा रहा है, विभाग को वो मांग पत्र देने वाले हैं 15 दिनों के अल्टीमेटम के साथ, कि अगर इन दोनों सड़कों के निर्माण या मरम्मति के लिए कोई पहल नहीं किया जाता इन 15 दिनों की समय में, तो वे आगे उग्र आंदोलन करेंगे और चक्रधरपुर सोनवा गोलकरा जो मुख्य सड़क है उसको जाम करने का। रूपेश कुमार, न्यूज 11 भारत। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।